पूरी दुनिया प्रेम के प्रतीक ताजमहल पर रिझती है, लेकिन इन दिनों धुंध ने इस पर प्रदूषण की ऐसी चादर तानी है कि किले से ताजमहल ठीक से नजर नहीं आ रहा है। सफेद संगमरमर से बने ताजमहल की चमक ऐसी है कि 3 किलोमीटर दूरी से भी ताज स्पष्ट नजर आ जाता है, लेकिन दिवाली से पहले ही प्रदूषण के खतरनाक स्तर से ताज के चारों तरफ धुंध ही धुंध पसरी नजर आ रही है। ऐसे में चंद दूरी से भी ताज का दीदार करना बहुत मुश्किल हो रहा है। मेहताब बाग और आगरा फोर्ट से सैलानी बड़ी आसानी से विश्व प्रसिद्ध स्मारक ताज का दीदार करते थे, लेकिन धुंध ने उन्हें निराश कर दिया है। ताज साहब दिखाई नहीं दे रहा, ऐसा होता है कि हम रनिंग करने के लिए आते हैं, काफी टाइम से आ रहे हैं, तो अब तक तो दिखता था, लेकिन अभी अचानक से धुंधला सा दिखने लगा है, काफी फॉग सा दिखता है। कुछ मौसम की भी वो हो सकता है कि अब सर्दियाँ आने वाली हैं, तो उसके साथ साथ जगह जगह आग भी जल रही है, घर के कचरे जल रहे हैं, खेतों के आसपास भी ये काफ़ी सारा पॉल्यूशन की वजह से धुंधला दिखने लगा है। अभी काफ़ी टाइम से तो यही देखा जा रहा है सर। एक्चुअली अभी फिलहाल में रिसेंटली देखा जाए तो थोड़ा सा मौसम में बदलाव आ गया, इस कारण से ताजमहल थोड़ा सा हल्का सा हमें लगता है कि धुंधला दिख रहा है। और इससे पहले अभी जो काफ़ी अभी समय कुछ समय पहले धूप प्रॉपर आती थी तो ताजमहल एकदम क्लियर दिखता था, तो कोई इतना पॉल्यूशन का वो नहीं था। अभी क्या है कि थोड़ा सा, या हम ऐसे मान सकते हैं कि घरों में सफाई वगैरह हो रही है तो उस चीज़ को लेकर थोड़ा सा, और व्हीकल वगैरह इतने काफ़ी ज़्यादा व्हीकल हो गए हैं जिस चीज़ को लेकर भी पॉल्यूशन की मात्रा बढ़ सकती है ना, तो ये चीज़ है। तो देखा गया अभी आम कुछ दिनों में ही, जब से ये सर्दियाँ थोड़ी सी बदलाव में आई हैं तब से ही ये पॉल्यूशन का थोड़ा वो है कि ताजमहल उतना क्लियर नहीं दिख रहा है। बाकी हम काफ़ी समय से रनिंग कर रहे हैं तो ताजमहल इतना स्पष्ट दिखता था काफ़ी। पूरी दुनिया प्रेम के प्रतीक ताजमहल पर रिझती है, लेकिन इन दिनों धुंध ने इस पर प्रदूषण की ऐसी चादर तानी है कि किले से ताजमहल ठीक से नजर नहीं आ रहा है। सफेद संगमरमर से बने ताजमहल की चमक ऐसी है कि 3 किलोमीटर दूरी से भी ताज स्पष्ट नजर आ जाता है, लेकिन दिवाली से पहले ही प्रदूषण के खतरनाक स्तर से ताज के चारों तरफ धुंध ही धुंध पसरी नजर आ रही है। ऐसे में चंद दूरी से भी ताज का दीदार करना बहुत मुश्किल हो रहा है। मेहताब बाग और आगरा फोर्ट से सैलानी बड़ी आसानी से विश्व प्रसिद्ध स्मारक ताज का दीदार करते थे, लेकिन धुंध ने उन्हें निराश कर दिया है। ताज साहब दिखाई नहीं दे रहा, ऐसा होता है कि हम रनिंग करने के लिए आते हैं, काफी टाइम से आ रहे हैं, तो अब तक तो दिखता था, लेकिन अभी अचानक से धुंधला सा दिखने लगा है, काफी फॉग सा दिखता है। कुछ मौसम की भी वो हो सकता है कि अब सर्दियाँ आने वाली हैं, तो उसके साथ साथ जगह जगह आग भी जल रही है, घर के कचरे जल रहे हैं, खेतों के आसपास भी ये काफ़ी सारा पॉल्यूशन की वजह से धुंधला दिखने लगा है। अभी काफ़ी टाइम से तो यही देखा जा रहा है सर। एक्चुअली अभी फिलहाल में रिसेंटली देखा जाए तो थोड़ा सा मौसम में बदलाव आ गया, इस कारण से ताजमहल थोड़ा सा हल्का सा हमें लगता है कि धुंधला दिख रहा है। और इससे पहले अभी जो काफ़ी अभी समय कुछ समय पहले धूप प्रॉपर आती थी तो ताजमहल एकदम क्लियर दिखता था, तो कोई इतना पॉल्यूशन का वो नहीं था। अभी क्या है कि थोड़ा सा, या हम ऐसे मान सकते हैं कि घरों में सफाई वगैरह हो रही है तो उस चीज़ को लेकर थोड़ा सा, और व्हीकल वगैरह इतने काफ़ी ज़्यादा व्हीकल हो गए हैं जिस चीज़ को लेकर भी पॉल्यूशन की मात्रा बढ़ सकती है ना, तो ये चीज़ है। तो देखा गया अभी आम कुछ दिनों में ही, जब से ये सर्दियाँ थोड़ी सी बदलाव में आई हैं तब से ही ये पॉल्यूशन का थोड़ा वो है कि ताजमहल उतना क्लियर नहीं दिख रहा है। बाकी हम काफ़ी समय से रनिंग कर रहे हैं तो ताजमहल इतना स्पष्ट दिखता था काफ़ी।